किया गया, जिस दौरान हमारे संवाददाता मुकेश गुप्ता की यह खास रिपोर्ट देखिए। नोएडा के सेक्टर 33 के अंदर इस समय शिल्प हाट के अंदर फूड कोर्ट आजीविका इंडिया फूड कोर्ट एक लजीज व्यंजनों का यहाँ बहुत अच्छे तरीके से तमाम राज्यों के और तमाम उन जगहों के लजीज व्यंजनों को यहाँ खाने के लिए इस मैदान में उतारा गया है और बड़े अच्छे और साफ सुथरे तरीके से उतारा गया है। महिलाओं ने अपनी आजीविका को एक छत के नीचे इकट्ठा करके एक ऐसे समाधान का समायोग किया है और मैं दिखा देना चाहता हूँ। यह वो ग्राफिक है जिसको कहते हैं महिलाओं ने एक एक पाँच पाँच रुपये का सिक्का इकट्ठा करके जहाँ महिलाओं ने एक घर जोड़ा, पत्थर की तरह टुकड़े सजाए और उस टुकड़ों पर अपना घर सजाया। घर के ऊपर उन्होंने अपना खड़े होने का, अपनी आजीविका का एक पहलू को जन्म दिया। उस पहलू का ही यह नज़ारा है कि यहाँ नोएडा के शिल्प हाट में आज वो तमाम राज्यों के व्यंजन लेकर यहाँ आजीविका इंडिया फूड कोर्ट आजीविका के नाम से एक ये संस्था आई है और इन्होंने तमाम राज्यों के यहाँ खाने का एक छत के नीचे लजीज स्वाद को एकत्रित करके यहाँ सभी को एक छत के नीचे लाकर बिठाया है और इस छत में तमाम तरह के व्यंजन हैं। मेरे साथ यहीं पे इस फूड कोर्ट की जो महिलाएं हैं, आप जो कार्य देख रही हैं, यहाँ क्या कुछ खास है? यहाँ पे 10 राज्यों से 16 स्टॉल लगे हुए हैं जो कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं वहाँ के जो ट्रेडिशनल खाना है उसको किस तरीके से बनाते हैं वो महिलाएं ही यहाँ पे आके बना रहे हैं। इसमें उसके अलावा ये जगह को हमने एक इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की है। हम प्लास्टिक की कटलरी ना यूज़ करके हम आर्कनेट, जिसको हम बोलते हैं सुपारी के पत्ते, उसकी कटलरियाँ यूज़ करने की कोशिश करें और ख़ासकर हम लोगों को ये दर्शाना चाहते हैं कि इन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की क्या पोटेंशियल है। काफ़ी लोग हैं जो पहली बार यहाँ पे आए हैं, दिल्ली आए हैं, तो हमें यही उम्मीद है कि सभी को उनके व्यंजन अच्छे लगे हो और कैसे एक महिला जो एक घर पे खाना बनाती है वो वहाँ से लेके वो उसे अपने घर के आमदनी भी जनरेट कर सकती है। जैसा कि आप बता रहे हैं इको फ्रेंडली माहौल चल रहा है, यहाँ पर प्लास्टिक का कोई भी सामान नहीं है। कोशिश की गई है कि प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें। हमारे डेकोर से लेके हमारा इंस्टॉलेशन से लेके हम प्लास्टिक बॉटल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। हमने वाटर एटीएम्स लगाए हैं। कटलरी भी हम या तो पेपर या तो आर्कनेट कटलरी यूज़ कर रहे हैं। इसके एंड तक हम प्लास्टिक को कम से कम यूज़ कर पाए। हम केरला के पॉवर्टी मिशन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके द्वारा 10 राज्यों से महिलाएं और उनके सपोर्टिंग मेंबर्स यहाँ पे है। उनके उसके साथ यहाँ पे एक टीम है मेंटर्स की और प्रोफेशनल्स की जो ये प्रोग्राम को एक ये मंच को एक सक्सेसफुल मंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और सबसे बड़ी बात यहाँ है, यहाँ पर एक छत के नीचे तमाम शहर के, नोएडा शहर के जो तमाम राज्यों के लोग यहाँ इस सुंदर नोएडा में आवास करते हैं, आशियाना बनाया है और यहाँ पर वहीं मेरे साथ यहाँ ये महिला हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि शहर में आज यह हम जो प्रोग्राम देख रहे हैं आज इसका अंतिम दिवस है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम राज्यों का लजीज भोजन यहाँ उपलब्ध है, जनता क्या पसंद कर रही है, आपको क्या पसंद आया? मुझे तो बहुत कुछ पसंद आया यहाँ पे। सबसे पहले मैं सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि नोएडा में इतना सुंदर नोएडा हाथ बने और उसमें इतना अच्छा से एक मेला का आयोजन किया, हम शहरवासियों को मेले से जुड़ाया, पूरे इंडिया को यहाँ दर्शाया गया है। आप अगर देखें तो स्टेट का व्यंजन वो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का व्यंजन यहाँ उपलब्ध है और उस तरफ अगर आप जाएं तो वहाँ पे तो कारीगर इतने ज़्यादा है, हर चीज़ वहाँ मिल रहा है। तो एक पहले तो जो हमें लगते थे कि हमारे नोएडा में क्यों नहीं होता कुछ, लेकिन अब से जो होने लगा है बहुत खुश हैं हम लोग और सरकार से फिर से यही कहना चाहूँगी कि दोबारा ऐसे सरकार की योजनाएं के तहत जो भी होता है रूरल डेवलपमेंट के लिए और रूरल जो आर्टिसंस हैं उनके लिए जो भी आप कर रहे हो वो आगे भी करते रहिए और नोएडा को साथ जोड़ कर रखिएगा। बिल्कुल, हम आपको उन जगहों के अभी आपको अपने तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे जहाँ पर यह तमाम राज्यों के लजीज व्यंजन बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर तमाम पब्लिक बड़े उत्साह से उनको खरीददारी करके
उनका स्वाद चख रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। यह पंजाब राज्य का लजीज व्यंजन है और यहाँ पर पंजाबी स्वाद चखने के लिए पब्लिक यहाँ पहुँची हुई है। और यहाँ पर असम का है, ये आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ असम का भोजन है। और यहाँ पर यह और भी दूसरी तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पर ये साउथ का भोजन है सारा, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर ये सभी तरह के स्नैक्स लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये बिहार राज्य का है ये सारा, यहाँ पर ये सभी बिहार के व्यंजन हैं और बिहार की वो लजीज चीज़ें हैं जो बिहार का स्वाद यहाँ पर बड़े ही लजीज ढंग से। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, आपको मैं दिखा दूँ, एक मिनट मैम, एक मिनट। आपने ये बिहार का क्या क्या खाने को लिया है? मैंने सिर्फ लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा, तो बिहार का लिट्टी चोखा फेमस है। हाँ। आप कहाँ से आई हैं लिट्टी चोखा खाने? मैं नोएडा में रहती हूँ। इनको बिहार का जो लजीज व्यंजन है लिट्टी चोखा यहाँ पर बड़ा ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अभी मैं एक चीज और दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर और भी दूसरे लोग लगे हुए हैं। आप यहाँ क्या लेने के लिए लगे हुए हैं? लिट्टी चोखा। यहाँ पर मैम सुना है लिट्टी चोखा बहुत ज्यादा बिक रहा है। हाँ जी, लिट्टी चोखा बहुत ज्यादा बिक रहा है, सही बात है। और राजस्थान का और भी है कुछ डिशेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पास होते हुए भी लोगों को ये खाना अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि महिलाओं ने अपने घर के अंदर हर चीज अपनी उमंग और अपने स्वाद के अनुरूप जो बनाती हैं महिलाएं अपने घरों के अंदर चार दीवारी के अंदर, वो लजीज स्वाद आपको नोएडा के शिल्प हाट में, जहां एक बड़ा मेला लगा हुआ है, इस शिल्प हाट के अंदर तमाम राज्यों के लजीज व्यंजन यहां उपलब्ध हैं। नोएडा से मुकेश गुप्ता, समाचार 24।